हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज के टास्क में आपको क्या कवर करना है। लेकिन यहाँ पर नए मेंबर को यहाँ पर बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग यूपीएससी और एसटीपीसीएस की तैयारी करते हैं तो आप इस टास्क को फॉलो कर सकते हैं। सुबह आपको डेली 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मिल जाता है। इसमें आपको बताया जाता है कि आज आपको क्या पढ़ना है, क्या रिविजन करना है, क्या मैपिंग टास्क करना है, A to Z सब कुछ बताया जाता है। ये पूरा प्रोग्राम बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से डिजाइन किया गया है आप लोगों के लिए, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करें और ये टास्क आपको डेली मिलते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आरजे सर आज शर्ट वर्ट में कैसे आ गए, आज ड्रेस में मतलब यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आए पढ़ाने के लिए, मतलब बताने के लिए? तो ऐसा हुआ था, अभी रात के लगभग मैं 3:30 अभी बज रहे, तो मैं आया था ऊपर खाना खाने के बाद में और मैं सो गया था। और मैंने सोचा था कि 10-15 मिनट के बाद में मैं आप लोगों के लिए टास्क बना करके अपलोड कर दूंगा, फिर सो जाऊंगा। और फिर मैं सो गया और मैं जब उठा तो मैंने देखा 3:15 हो गए थे। और फिर मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, तो मैं जल्दी से उठा, मैंने कहा टास्क बना दूं, क्योंकि मैं दोबारा से सो गया तो मैं लगभग मैं 9-10 बजे उठ पाता हूँ लगभग में। तो मैंने सोचा था कि आप लोग कहीं टास्क नहीं मिलेगा, आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो अभी रात में उठ करके मैंने तुरंत, और जो जो यूनिफॉर्म थी वो नीचे ही पड़ी हुई है क्लब की, दूसरे रूम में मैं स्टूडियो में आया था आराम करने के लिए, और मैं यहाँ पर ही सो गया था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए पहले टास्क दे दिया जाए, वरना कल भी दे दिया जाता, लेकिन अच्छा नहीं लगता है कि हमें आँख खुल गई, अब साथ में सपना आया, सैम आ गया था कि अरे आप लोगों का टास्क आज नहीं दिया क्या? और वास्तव में जब मैं चेक किया तो देखा टास्क नहीं था। तो दिमाग में जो चीजें चलती रहती है ना, वही सपनों में भी आती है। तो एक तरह से सपना टाइप का आया था कि अरे टास्क नहीं दिया, वास्तव में टास्क नहीं दिया था, तो इस वजह से आज रेड टी शर्ट में आ गए थे। कोई बात नहीं, तो चलिए आज देखते हैं कि आज आपको क्या पढ़ना है, क्या रिविजन करना है। तो आज आपको 22 जुलाई आपको देखने को मिलेगी, और साथ में आपको आज डे 17 डे आपको देखने को मिलेगा आपकी तैयारी का। तो आज आपको ज्योग्राफी एनसीईआरटी 11th क्लास, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसके आपको चैप्टर नंबर 10, 11 और 12, यानी कि 3 चैप्टर है, इनको पढ़ना है। ना केवल पढ़ना है बल्कि आपको बहुत अच्छे से इसको इसके नोट्स भी बनाने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत छोटा सा टास्क है, कवर करिएगा और नोट्स भी बनाइएगा। ओके, सभी लोगों को नोट्स बनाने हैं। तो देखिए आप लोगों ने प्रीवियस टास्क के बहुत अच्छे से यहाँ पर नोट्स बनाए थे, और इधर भी आप लोग देख सकते हैं ये नोट्स सभी लोगों ने बना करके दिए, सभी पिक तो नहीं लगा सकते, एक यहाँ पर लगा करके आप लोगों को दिखा दी। इसी तरह से आप लोग कवर करते रहिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं मैपिंग टास्क आज का क्या है। तो आपको मैपिंग टास्क आपको देखने को मिलेगा कि साउथ अमेरिका की आगे की कुछ लोकेशन दी गई है, कल भी आपको दी गई थी, आज भी आपको साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका की कुछ लोकेशन दी गई हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये देखिए फिजिकल मैप पर आपको मैक्सिमम मिलेंगी, देख इस तरह से फिजिकल मैप आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये पॉलिटिकल मैप है तो इसमें भी आपको कुछ लोकेशन मिल जाएंगी। तो चलिए आप देखते हैं कौन कौन सी लोकेशन आपको कवर करनी है। तो एटलस में देखने के बाद आपको ब्लैक मैप पर आप हाथ से भी मैप बना सकते हैं और उस पर लोकेट करना है आप लोगों के लिए। बाद में जब हम आपको पढ़ेंगे तो इसमें डीप में पढ़ेंगे और सारी चीजें नोट करा देंगे, लेकिन अभी आपका काम क्या है, सिर्फ खोजो और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ओके, तो आपको सिर्फ ढूंढना है, जैसे चोर पुलिस वाले नहीं होते कि ढूंढ लिया, वैसे आपको भी ढूंढना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। तो पहला आपको देखने को मिलेगा अटाकामा डेजर्ट। तो आपको थोड़ी सी लोकेशन बता भी देते हैं कहाँ कहाँ पर सारी लोकेशन होंगी। तो देखिए यहाँ पर आपको पेरू और चिली आपको देखने को मिलेगा, तो इस तरह से यहाँ पर आपको अटाकामा डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा। अटाकामा डेजर्ट है वो विश्व का सबसे ड्राइएस्ट आपको डिजर्ट देखने को मिलेगा, मतलब शुष्कतम मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पर आप जाएंगे तो पानी पानी मांगने लगेंगे, ऐसे समझ लीजिए। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अरीका है, यानी कि अरीका यानी कि घोस्ट टाउन है, वो इसी डिजर्ट के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा, मतलब जो ये डिजर्ट है ना, इसी के अंदर एक ऐसा प्लेस है जो जिसको हम अरीका के नाम से जानते हैं, और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, घोस्ट टाउन यानी कि भूतिया शहर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये कहाँ पर है, तो ये पेरू है और ये चिली, इसी के बॉर्डर पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा, चिली के अंदर अरीका देखने को मिलेगा। ये विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है, मतलब सबसे ड्राइएस्ट प्लेस आपको देखने को मिलेगा, और ये किसके अंदर है, इसी मरुस्थल के अंदर ही आपको ये प्लेस देखने को मिलेगा। और उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं लिक्वेक, आप देख सकते हैं, देखिए आप लोग अरीका से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए आपको लिक्वेक देखने को मिलेगा, मैं साइड से हट जाता हूँ। फिर उसके बाद में आपको एंटोफागास्टा आपको देखने को मिलेगा। एंटोफागास्टा क्या है, आप लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर आपको एंटोफागास्टा आपको देखने को मिलेगा, लिक्वेक से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एंटोफागास्टा आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको वैल्पारैसो आपको देखने को मिलेगा, आज थोड़े से नाम है वो थोड़े कठिन है, कोई बात नहीं, कभी कभार आ जाते हैं ऐसे नाम। अब देखिए दूसरे देशों के नाम हम लोग देखने तो ऐसे हैं, वरना हमारे इधर ऐसा होता मीरापुर, सीतापुर, ऐसे करके नाम होते हैं ना, लेकिन यहाँ पर थोड़े से कठिन नाम है, कोई बात नहीं, ये अंग्रेज लोग ऐसे ही नाम रख देते हैं, हम लोग प्यारे प्यारे नाम रखते हैं। चलिए इनके नाम भी देख लेते हैं, जैसे पेल पेरेसो है,
बेल पैरासो कहां पर है, यहां पर आपको सैंटियागो देखने को मिलेगा ना, सैंटियागो से जस्ट ऊपर, सैंटियागो से जस्ट ऊपर आपको यहां पर बेल पैरासो देखने को मिलेगा। फिर बेल पैरासो से लेकर के ये देखिए एक आपको रेल लाइन देखने को मिलेगी जिसको ट्रांस एंडिस रेल लाइन के नाम से जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, वहां पर आप लोग पढ़ेंगे। तो देखिए ये कहां से स्टार्ट होती है, तो आपको बेल पैरासो से आपको देखने को मिलेगी, मतलब सैंटियागो के ऊपर से। थोड़ा सा मैं और साइड से हट जाता हूँ जिससे आपको सब दिख जाए। तो देखिए इस तरह से ये रेल लाइन कुछ गई हुई है और यहाँ पर एक खाड़ी टाइप का आपको कुछ दिख रहा है ना, तो यहाँ तक आया हुआ है। तो ये सारी लोकेशन आपको इसी तरह से देखने को मिलेगी, मतलब पश्चिम से आप पूरब की ओर जाएंगे तो आपको सारी लोकेशन दिख जाएंगी। तो बेल पैरासो आपको देखने को मिलेगी, एस्पलाटा पास देखने को मिलेगा, मतलब एक दर्रा है भाई। इधर आपको कल देखने को मिला कि एंडीज पर्वत है, अब इस एंडीज पर्वत को पार करने के लिए आप कोई भी ट्रेन जा रही है तो वो दर्रे से गुजरेगी ना, जगह होनी चाहिए ना, तो दर्रा यानी कि पास आपको देखने को मिलेगा। तो एस्पलाटा पास आपको देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद में मेंडोजा आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ये आपको मेंडोजा देखने को मिलेगा, फिर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे आपको ब्यूनस एरिस आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ये ब्यूनस एरिस है और यहाँ पर एक खाड़ी टाइप का दिख रहा है ना, इसी खाड़ी टाइप में आपको रियो डी प्लाटा आपको देखने को मिलेगा। रियो डी प्लाटा कहाँ पर, एक खाड़ी टाइप का जो आपको देखने को मिलेगा, आराम से आपको मिल जाएगा, कोई आपको माथा पच्ची नहीं करना है। जो उगमा है ना वो वहां पर आपको दिख जाएगा, ओके सॉरी उरुग्वे है वो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। जो उगमा पहले सुनर है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो आपको उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलेगा, ओके। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, छठा आपको लोकेशन है वो आपको देखना है, पुंटा एरिनास आपको देखना है। तो देखिए ये वाली लोकेशन है कहाँ पर है, आप लोग दक्षिण अमेरिका के एकदम दक्षिण भाग में चले आइए जहां पर पूंछ टाइप की ऐसे बनी हुई है नीचे। तो देखिए मैं आप साइड से हट जाता हूँ, तो देखिए ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पर जो फॉल्कलैंड यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये आपको ये लोकेशन आपको दिख जाएंगे। तो देखिए पुंटा एरिनास आपको देखने को मिलेगा, फिर आपको एक स्ट्रेट मतलब आपको एक तरह से जल संधि आपको देखने को मिलेगी, ओके। जो मैगलेनास स्ट्रेट है वो आपको यहाँ पर ही देखने को मिल जाएगी और थोड़ा सा नीचे आपको जो अलग से कटा हुआ भाग है ना, छोटा सा ऐसे टोपी टाइप का, जैसे हम लोग बर्थडे में टोपी नहीं लगाते हैं ऐसे लंबी वाली, उसी टाइप से जो आपको पार्ट दिखेगा वही आपको डेल्फियागो आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ लोकेशन है आपको एकदम लास्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा पैटागोनिया प्लेटू, तो पैटागोनिया प्लेटू है ये आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल जाएगा। और फिर आप लोग पैम्पास ग्रासलैंड है वो भी आपको इससे जस्ट ऊपर आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो देखिए ये क्या है, पैटागोनिया आपको देखने को मिलेगा, फिर ऊपर आपको इस तरह से पैम्पास देखने को मिलेगा, फिर देखिए ग्रांड चाकू है, ग्रांड चाकू जस्ट इसके ऊपर इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा साइड से हट जाता हूँ, तो देखिए फिर प्लेट्यू ऑफ माटा ग्रासो आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए जस्ट इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा माटा ग्रासो प्लेट्यू देखने को मिलेगा, और फिर आपको कैटिंगास आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग थोड़ा सा इसके इस तरह से आएंगे, देखिए आपको इस तरह से कैटिंगास देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए ब्राजीलियन हाईलैंड है ये, आपको इस तरह से आपको ब्राजीलियन हाईलैंड आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखिए ब्राजीलियन हाईलैंड। फिर इसके बाद आपको प्लेट्यू ऑफ बोरबोरिमा आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए थोड़े से नाम कठिन है कोई बात नहीं, प्लेट्यू ऑफ बोरबोरिमा आपको देखने को मिलेगा। प्लेट्यू ऑफ बोरबोरिमा है ना एक छोटा, यहाँ पर आपको छोटा सा प्लेट्यू देखने को मिलेगा, ओके। ब्राजीलियन हाईलैंड से थोड़ा सा आप लोग एकदम ऊपर चले जाइए तो वहां पर ही आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा अमेजन बेसिन, तो अमेजन बेसिन आपको देखने को मिलेगा, और अमेजन बेसिन के बाद आपको सेरा डी तुमकुमाकू आपको देखने को मिलेगा। देखिए कितने खतरनाक रहा है आपको, तुमकुमाकू है ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर गोइना हाईलैंड के नीचे और अमेजन बेसिन के ऊपर आप लोग देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, देखिए ये वाला पोर्शन है यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा, फिर आपको गोइना हाईलैंड आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो देखिए आपको इस तरह से सारी लोकेशन है सर्च करनी है, बस ढूंढनी है, ढूंढने के बाद लोकेट करनी है, लोकेट करने के बाद में अपने मैप पर लिखनी है, बस इतना ही काम करना है, ज्यादा नहीं, परेशान नहीं होना है, आराम से। तो देखिए आप लोग कह रहे थे कि सर हमको लोकेशन सर्च करने में बड़ी परेशानी आ रही है, थोड़ी लोकेशन आपको हिंट दे दिए ना सभी, तो हम आराम से आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए इसके अलावा आपको जुलाई, देखिए यहाँ पर जो 5 महीने आपकी सारी एनसीईआरटी कवर करा दी जाएंगी, इसके अलावा आपको लाइव क्लासेस भी दी जाती हैं, यहाँ पर आपको जुलाई महीने में ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट है आपको कवर कराया जाएगा, तो यही आपकी एनसीईआरटी अभी चल रही है, फिर आपकी इस तरह से सारी एनसीईआरटी कवर कराई जाएंगी। इसके अलावा आप लोगों के लिए 3 बैचेस हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए लॉन्च किए हैं, जो यूट्यूब पर ही आपको लाइव क्लासेस प्रदान की जाती हैं, और यहाँ पर आपको प्रीमियम क्लासेस आपको दी जाती हैं, एक आपको यूपीएससी का बैच देखने को मिलेगा, एक यूपी और दूसरा बिहार बीसीएस का आपको देखने को मिलेगा। तो ये 3 बैचेस हैं, ये चलते हैं, और इनकी जो टाइमिंग है वो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 बजे आप लोगों की पीसीएस की क्लास चलती है, 6 बजे आपको शाम को आपकी
क्लास है जो आपकी आईएएस की क्लास चलती है, लेकिन पीसीएस वाले बच्चों को भी 6 बजे वाली क्लास आकर के ज्वाइन करना होता है। अभी आप लोग की यूपीपीसीएस की क्लास चल रही है, ये आपकी जल्द ही खत्म हो जाएंगी, मतलब लगभग में हम 50 क्लासेस में खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद में बिहार पीसीएस स्टार्ट होगा और कॉमन सिलेबस है वो आपका यहाँ पर कवर कराया जा रहा है, मतलब 6 बजे कवर कराया जा रहा है। इसके अलावा आप लोग जाकर के फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। इसके अलावा आप लोग 12 बजे आएंगे तो आप लोगों के लिए द हिंदू का हिंदी में कंपाइलेशन करके दिया जाता है, तो आप लोग आकर के ये भी वीडियो देख सकते हैं, रिकॉर्डेड है, शिवम सर के द्वारा कराया जाता है इसको। इसके अलावा आपको संडे को एक टेस्ट होता है और डाउट क्लियरेंस सेशन भी जूम मीटिंग पर होता है, तो जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर किए जाते हैं, और डेली सुबह 8 बजे आप लोगों के लिए इसी तरह से टास्क दिया जाता है जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं। आप लोग देखिए हमारे यूट्यूब चैनल क्लब आई सब्सक्राइब भी जाएंगे तो यहाँ पर प्ले लिस्ट का ऑप्शन होता है, तो देखिए सभी प्ले लिस्ट हमने अलग से बना करके रख दी है, तो यहाँ पर देखिए ये आईएएस वाले बैच की अलग से प्लेलिस्ट है, ये आपको स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएंगी। ओके, और इसके अलावा ये बिहार की आपको देखने को मिलेगी, ये यूपी पीसीएस की देखने को मिलेगी, ये टास्क वाली देखने को मिलेगी, इसके अलावा ये करंट अफेयर वाली आपको देखने को मिलेगी, सारी हमने अलग से बना दी। और आप लोग देख सकते हैं हम किस सब्जेक्ट पर कितनी क्लासेस आप लोगों को कितने घंटे की क्लासेस आपको प्रदान करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह से दी है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग जाकर के इस तरह से एक वीडियो भी जाकर के देख सकते हैं, और ये सभी का आई कार्ड आप लोगों के बन गए जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है, और ये सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिए जा रहे हैं। तो देखिए बहुत सारे आई कार्ड हो गए, तो सभी के आई कार्ड अब लगा करके बहुत लंबी वो हो जाती थी, और अब और नए बन गए हैं तो अब लगाते तो लगभग में 10 से 15 स्लाइड इसी से भर जाती, तो हमने क्या किया अल्टरनेटिव निकाला है, सबके नाम लिख दिए। तो देखिए अगर आपका इसमें नाम है तो समझ लीजिए आपका आई कार्ड बन गया है। ओके, तो आप लोग देख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जूम करके देखते रहिएगा। ये गर्ल्स के नाम है, अगर इसमें आपका है तो आपका ये एन की आई कार्ड बन गया है। तो जिन लोगों के आई कार्ड बन गए हैं तो वो व्हाट्सएप पर हमें एक मैसेज कर सकते हैं, सर हमारा नाम उसमें है और हमें आई कार्ड सेंड कर दीजिए। तो नाम और डेट ऑफ बर्थ हमें सेंड कर देना है, पर्सनल, ग्रुप में शेयर नहीं करना है, ग्रुप में नहीं शेयर दिए जाते हैं आप लोगों को, पर्सनल आपको हमें अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बतानी है, आपको तुरंत आपका आई कार्ड सेंड कर दिया जाएगा जैसे ही हम आपका मैसेज देखेंगे। वैसे हम 11 बजे डेली शाम को मैसेज देखते हैं, मतलब रात में 11 बजे ये वीडियो जाकर के देख लीजिए, जो भी नए मेंबर हैं ये वीडियो जाकर के देख लीजिए। यहाँ पर साफ स्थान बताया गया है किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, इसकी कार्य प्रणाली क्या होगी, सब कुछ आपको बताया गया है। ओके, अधिक और अगर अधिक जानकारी चाहते तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन है तो वहां पर दूर कर दिया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं, कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहें। ओके।